हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, अर्थ एंड एनवायरनमेंट्स के बारे में। पहला क्वेश्चन, द मार्बल पैनल्स ऑफ एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस हैव बीन केमिकली ट्रांसफॉर्म्ड बाई एसिड रेन इन टू सॉफ्ट जिप्सम, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन इन दिस एरिया। तो एसिड रेन इस एरिया में किस वजह से होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड हैवी व्हीकल इमिशन, यानी कि जो गाड़ियों के इमिशन और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है उसकी वजह से एसिड रेन यहाँ पे हो रहा है। द एलिमिनेशन ऑफ दिस पेस्ट अंडर फोर पेस्ट कंपेन ऑफ चाइना दैट वॉज इनिशिएटेड 1958 अपसेट द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इनेबल्ड क्रॉप ईटिंग इंसेक्ट टू पोलिफरेट, आइडेंटिफाई द पेस्ट। तो ये कौन सा पेस्ट है? तो ये है आपका स्पैरो। क्वेश्चन नंबर थ्री, द रेन फॉरेस्ट द ह्यूग डेंस लश फॉरेस्ट हैविंग फोर डिस्टिंक्ट लेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर लाइज अबव द कैनोपी लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे कैनोपी लेयर के ऊपर पाया जाने वाला कौन सा होता है लेयर, उसे हम कहते हैं इमर्जेंट लेयर। ठीक है, फोर नंबर, द गिवन पिक्चर ऑफ टॉल एंड थिन ब्लेड्स हार्ड एंड स्नो आर बिलीव टू फॉर्म द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंडीज माउंटेन। देखिए, एंडीज माउंटेन है ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन्स है, इनकी जो लंबाई है वो लगभग 7000 किलोमीटर है। ठीक है ना, ठीक है, दिस टाइप ऑफ स्नो फॉर्मेशन हाई एल्टीट्यूड नोन एज। तो इस तरीके के जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं, इस तरीके से देखिए बर्फ जमे हैं, ठीक है ना, तो ये इनका क्या नाम है, इनका नाम है पेनिटेंट्स। क्या नाम है? पेनिटेंट्स। अगला है क्वेश्चन नंबर फाइव, आदित्य इज सफरिंग फ्रॉम ब्रीदिंग प्रॉब्लम। आदित्य जो है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हिज डॉक्टर सेड द प्रॉब्लम इज ड्यू टू रिडक्शन इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। तो ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स कैन द कॉज दिस। तो ये किसके वजह से हो रही है? ये आपकी हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेंट गैस है, और साथ ही साथ ये क्या करती है, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ 200 टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी होती है इसकी ब्लड के साथ मिक्स होने की, और ये क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग करता है। ठीक है, और ज़्यादा हो जाने पे कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारी मौत भी हो सकती है। ठीक है ना, और ब्लड में ऑक्सीजन कौन पहुँचा, सॉरी, पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन पहुँचाता है ब्लड होता है, और कौन पहुँचाता है? हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट गलत है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मेजर ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड CFC एंड हाइड्रोकार्बन्स ओनली। तो ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है? परमाफ्रॉस्ट इज द परमानेंटली फ्रोजन सॉयल फाउंड एट द हाई एल्टीट्यूड इज मेल्टिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स मेल्टिंग। तो देखिए, यहाँ पे परमाफॉरेस्ट एक तरीके का फ्रोजन सॉयल है, ठीक है ना, और इसे हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाता है, साथ ही साथ इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी गैसेस निकलती हैं ये आपको बताना है। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, यही दोनों गैसेस हैं जिनकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट गर्म होता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला इज द होम ऑफ लार्ज पॉपुलेशन विथ इंडेंजर्ड प्राइमेट। तो कौन सा इंडेंजर्ड स्पीसीज है यहाँ पे जो लुप्त होने की कगार पे है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, लॉयन टेल मकाउ। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? केरला में। क्वेश्चन नंबर नाइन, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से जो अर्थ का सर्फेस है वो क्या होता है, गर्म होता जाता है, यानी कि जो ट्रोपोस्फियर है हमारे अर्थ की सबसे, वहीं पे सारे जितने भी हमारे मौसम संबंधी काम होते हैं सब ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। और ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है कि ये गैस ट्रैप हो जाती है और हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, गर्म होता रहता है। क्वेश्चन नंबर टेन, यहाँ पे करेक्ट पेयर कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, देखिए IUCN में क्या होता है कि इसमें रेड डेटा बुक में मेंटेन की जाती है कि कौन से जानवर लुप्त होने वाले हैं, कौन इंडेंजर्ड है, ये सारी। IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। फिर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वर्ल्ड का नेशनल पार्क कौन सा था, पूरी दुनिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो उसका नाम है येलो स्टोन नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे है? USA में है, ठीक है ना, अमेरिका में है। ठीक है, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 11, द वीक जोन ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच आर मोस्ट प्रोन अर्थक्वेक इज कॉल्ड। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्मिक जोन, फॉल्ट जोन। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 12,
रिया विजिटेड हर विलेज आफ्टर 10 ईयर्स. ही फाउंड देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिजर्टिफिकेशन. वॉट कुड बी द प्रॉब्लम रीजन ऑफ दिस. तो देखिए डिजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि डिजर्ट में चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उसके लिए क्या रीज़न है यहाँ पे पूछा गया. तो ओवर ग्रेजिंग बिल्कुल ठीक है. इनडिस्क्रिमिनेट ऑफ कटिंग ऑफ ट्री यानी कि पेड़ को बहुत ज़्यादा काटना, और ड्रेनिंग सिस्टम वहाँ का जो सिंचाई का साधन है वो भी गलत है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. ये तीनों चीज़ों से ये चीज़ें प्रभावित हो रही हैं. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13-14. पचमढ़ी बायो रिजर्व सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश. तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में. द बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन द यूनिक एज द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन इट आर सिमिलर टू दोज आर अपर हिमालयन पीक्स लोअर वेस्टर्न घाट. इट इज़ टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वन ऑफ द नेशनल पार्क. ठीक. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग नॉट द पार्ट ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है ना. तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट कौन सा नहीं है? तो डाचीगम नेशनल पार्क. डाचीगम नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में. कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक. बाकी बोरीवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कुछ पार्ट देखिए एकदम बॉर्डर पे है महाराष्ट्र के और इसके. ठीक है ना. तो सतपुड़ा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ और ये पचमढ़ी ये क्या है? ये सब पार्ट हैं. ठीक है. 14 नंबर, विच आर द फॉलोइंग एनिमल्स आर एंडेमिक टू पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. तो कौन सा यहाँ पे जानवर है? ठीक है ना. एंडेमिक का मतलब होता है कि स्पेसिफिक एरिया में. ठीक है ना. कौन सा जानवर है? तो यहाँ पे सभी हैं, बाइसन, फ्लाइंग स्क्वायरल और इंडियन जेंट स्क्वायरल. ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. द कॉमन हाउस स्पैरो पॉपुलेशन हैज़ बीन डिक्लाइन इन द मेनी एशियन कंट्रीज स्पेशली इन इंडिया. टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ स्टेट चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर द स्टेट बर्ड. तो देखिए जो स्पैरो है, जो गौरैया चिड़िया है, वो अब इंडिया में धीरे धीरे उनकी जनसंख्या कम हो रही है. तो इसमें से कौन से ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने गौरैया को क्या कहा कि वो अब हमारा क्या होगा, स्टेट बर्ड होगा? तो ये हैं आपके दिल्ली, अरविंद केजरीवाल ने कहा था. क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज इन द मरीन लाइफ. तो टॉक्सिक वेस्टेज मरीन लाइफ में कौन कौन सी है? मेटल्स फ्रॉम माइनिंग इंडस्ट्रीज और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फ्रॉम द फार्म यानी कि जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं. सारी चीज़ें बह के कहाँ पर जाती है? पानी में जाती हैं. और ये क्या होती है? मरीन लाइफ टॉक्सिक होती है. तो इसमें तीनों ऑप्शन सही दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 17, प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1973. प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? 1973 में. इट्स एम टू क्रिएट द रिजर्व इन द सेलेक्टेड एरियाज. और यहाँ पे क्या हुआ? सेलेक्टेड एरियाज में रिजर्वेशन शुरू हुआ. ठीक है ना. रिजर्व किया गया जानवरों को, रिजर्व किया गया. तो यहाँ पे है इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन आइडेंटिफाई विच पार्क नॉट. इसमें से ये बताना है कि कौन सा इसमें से ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे टाइगर नहीं है. तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, केवलादेव राष्ट्रीय घाना. ठीक. घाना नेशनल पार्क ये आपका कहाँ पे? भरतपुर राजस्थान में. ये चिड़ियों के लिए है. ठीक है ना. साइबेरियन क्रेन के लिए है. सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में. कान्हा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? ये है आपका मध्य प्रदेश में. और दुधवा आपका कहाँ पे है? यूपी में. ठीक है ना. तो ये तीनों क्या है? टाइगर रिजर्व हैं. ठीक है. लेकिन ऑप्शन नंबर डी टाइगर रिजर्व नहीं है. क्वेश्चन नंबर 18, एन अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 3 ऑन द रिक्टर स्केल. तो देखिए रिक्टर स्केल अगर 3 है, देखिए जो भूकंप आता है ना, भूकंप को रिक्टर स्केल पे ही हम नापते हैं. ठीक है ना. तो मान लीजिए मैग्नीट्यूड इसका 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है अर्थक्वेक किसके? मैग्नीट्यूड 1 के. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लैंड पॉल्यूशन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ऑपरेशन सम मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस द वैल्यूम ऑफ वेस्ट. नेम द मेथड इन विच बर्न इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. दिस मेथड आल्सो प्रोड्यूस स्टेबल ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि किस तरीके से लैंड पॉल्यूशन जो आपका हो रहा है उसे रिड्यूस किया जा रहा है, उसका वैल्यूम कम किया जाए. इस प्रोसेस को कहते क्या थे? उसको बोलते हैं पायरोलिसिस. क्या बोलते हैं? पायरोलिसिस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20, अब यहाँ पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPB इनिशिएटेड नॉक प्रोग्राम लेटर नोन एस नैम प्रोग्राम चेक द एयर क्वालिटी ऑफ इंडिया. ठीक है ना. तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है आपका ऑप्शन नंबर ए, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम. अब यहाँ पे हॉट्स क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 पे, रीड द करेक्ट स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस. यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही दे रखा है ये आपको बताना है. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर दोज स्पेसिफिक रीजन विच हैव द लार्जेस्ट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज. बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन सही दे रखा है. द पैसेंजर पिजन इज द एक्सटिंक्ट बर्ड. ये बर्ड अब खत्म हो चुकी है, पैसेंजर पिजन जो थी. उसके बाद है द टर्म इकोलॉजी कॉइंड बाय अर्नेस्ट हेकल 1866. बिल्कुल ठीक है. इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में. बिल्कुल ठीक है. गांधी पीस प्राइज अवार्डेड नोटेड इन्वायरमेंट चंडी प्रसाद भट्ट इन 2010. बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ पे चार ऑप्शन सही दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे आपको मैच करना है. ठीक है ना. तो पहला सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर, इसको हम किससे करेंगे? तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड आपको रेन एसिड रेन में
आपको करता है, हेल्प करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। फिर है सी एफ सी, सी एफ सी में हम क्या लिखेंगे, ए नंबर, डैमेज ओजोन लेयर को करता है। सीवर डंप इन द रिवर, रिवर को डंप करता है, तो हो जाएगा एयर बॉर्न डिजीज, ई नंबर। फिर है डस्ट इन एयर, तो डस्ट इन एयर को हम क्या लिखेंगे, प्रिवेंट फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे लिखेंगे सी नंबर। ठीक है, एक्सेस फर्टिलाइजर इन द फील्ड, तो हो जाएगा बी। ठीक, तो डी ए ई सी डी, डी ए ई सी डी यहाँ पे करेंगे, डी ए ई सी डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आंसर बनेगा, डी ए ई, तो डी ए ई सी ऑप्शन नंबर सी बी होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए वन डायग्राम से हमें ये बताना है, देखिए ये चीज़ यहाँ पे है। ठीक, तो ये चीज़ किस में कॉमन है, इंडेंजर स्पीसीज में, और यहाँ पे ऐसा होना चाहिए एंडेमिक टेम्परेट फॉरेस्ट इन द हिमालय, इसमें इंस्टिंक्ट स्पीसीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा रेड पांडा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, एरिया रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल वेयर ग्रेजिंग इज नॉट अलाउड वाइल एक्स, वाइल नोन एज एक्स वाइल एंड एरिया रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड एनिमल नोन एज द वाई। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये कहा गया है, क्वेश्चन ये कहा गया है कि यहाँ पे जो एक्स वाला पार्ट है वहाँ पे ना तो कोई एनिमल ग्रेजिंग अलाउड नहीं है इस एरिया में, तो एरिया पूरा कंजर्व है, तो ऐसा एरिया को हम क्या क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क बोलते हैं, जहाँ पे ग्रेजिंग यानी कि जानवर को चराना अलाउड नहीं है। ठीक, फिर सेकेंड नंबर वाई क्या है, दूसरा है एरिया रिजर्व कंजर्व वाइल्ड एनिमल्स ओनली, यानी कि सिर्फ जंगली जानवरों को यहाँ पे रखा जाता है, तो ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक्स में क्या होगा नेशनल पार्क, और वाई में क्या होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे ओकापी वाइल्ड लाइफ रिजर्व, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये आपका बी, टूरिया रेन फॉरेस्ट बी। बायोस्फीयर रिजर्व, इसको हम किससे मैच करेंगे, डी से, सिन्हा राजा रेन फॉरेस्ट। ठीक है, डी। फिर है कागू एंड एंडेंजर्ड बर्ड, इसको हम किससे मैच करेंगे, ए नंबर से, न्यू कैनोडियन कैलेडोनिया रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मिलेगी ए नंबर। और टॉप कैनेपी डोमिनेटेड बाय द एसे अकेसिया कोया, ठीक है ना, तो ये आपका कहाँ मिलेगा, हवाईयन रेन फॉरेस्ट में, तो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भैया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो दोस्त यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप मुझे कुछ पे करना चाहते हैं, तो यह है मेरा QR कोड, आप इसे स्कैन कर सकते हैं, और मुझे अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो सेंड कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, चैप्टर नंबर 3 में। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।